जुग्याल कलोनी में बैठक का आयोजन अकाली भाजपा की ओर से किया गया, जिसमें सांची उम्मीदवार राजकुमार गुप्ता ने शिरकत की, जिनका उपस्थित सदस्यों ने फूलों की हार पहनाकर भव्य स्वागत किया और उनसे अपनी समस्याएं भी कही। इस मौके पर कलोनी में गुंडागर्दी और मारकाट की समस्या पर लोगों ने गंभीरता दिखाते हुए उनसे सुरक्षा का भरोसा भी मांगा। 16 तरीक की रैली के संबंध में जो सियामपुर के एक बहुत ही विशाल रैली बिजली ग्राउंड 16 तरीक हो जा रही है, समा 11 बजे, उस दे संबंध में अज मेरे पुराने साथी पिछले 25 साल तो रामपाल जी ने अपने निवास स्थान के उपर चीमा जी, बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के समुची सारे वर्करा दे और इंपलाइज जिहड़े इत्थों दे इंपलाइज ने उन्हां दे नाल बैठक कराई। इन्हां सारिआं च बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया गया और सारिआं ने 16 तरीक की रैली दे विच रामपाल दी अध्यक्षता विच आ के हम हमा के इस रैली विच आणगे, पर जो इन्हां ने समस्या दसियां जिस तरह इस कलोनी दे विच रह रहे ने जां जिस तरह साडे PSB दे मुलाजमां दीआं जो मुश्किलातां ने, इह अपना मेमोरेंडम भी उस दिन देणगे। पर मैं रामपाल जी नाल विश्वास दिलाना कि जिहड़े भी इहदीआं मंगां होणगीआं श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी ते सरकार बनन तों उपरांत पहल दे आधार ते रणजीत सागर डैम दे जिहड़े इंपलाई ने जिहड़ी उन्हां दी मंगां होणगीआं उन्हां नूं पूर्ण करावांगा, इह मैं इहनां नूं विश्वास दिलाना। जय हिंद जय भारत। परम सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ। अध्यापक दल हर मुलाजम वर्ग इन्हां तों दुखी है, किसान दुखी है। असीं आउण वाले समें च श्रोमणी अकाली दल दी सरकार लियावांगे ते बाद विच इन्हां तों अपने वादे जो साडियां मंगां मुलाजमां दी होणगीआं इन्हां तों पूरियां करावांगे। कुमार गुप्ता जी दा इत्थे आउण ते बहुत धन्नवादी आ जी, जिन्हां ने मेरे घर दा वी चरण पाए ने ते मैं इन्हां नूं अपने तहे दिलों इह भरोसा दिवाना है कि जे 16 तरीक दी इत्थे रैली होगी उह च असीं हुम हुमा के जिहड़े कलोनी दे बंदे आ साडे PSC दे बंदे आ जां साडे इंपलाई ने जिहड़े इस सरकार कोलों दुखी ने जां इस MLA कोलों दुखी ने ओह सारे हुम हुमा के उत्ते पहुंच चुके। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।